तक काफ़ी पहले से सामान आया हुआ था, बट मैं निकाल ही नहीं पा रही थी। कुछ सामान तो मैंने निकाल के रख दिया था, बट वैसे बड़े बड़े बॉक्सेस हैं ना, बस उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको भी थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। सकता है और तुम गिन के जाना, तुम चार चश्मे ले जाओगे, उसमें से एक ही वापस आएगा जो तुमने पहना होगा। गॉगल तो तुम्हारा वापस आएगा नहीं, क्योंकि तुम जब भी जाते हो तुम्हारा वो वापस ही नहीं आता। आजकल शाम को अंधेरा भी जल्दी हो जाता है ना, अभी 6:15 हो गए हैं और बाहर आप देख सकते हो अंधेरा कितना हो रहा है। जल्दी खाओ, उसको मुंह में मत रखो। तो क्यों होने वाली है अभी ऑनलाइन क्लास? रेडी हो सब ऑनलाइन क्लास के लिए? नहीं रेडी हो? क्या करना है? नहीं लेनी ऑनलाइन क्लास? नहीं लेनी? उल्टी बात। खट्टा केक? खट्टा केक कैसा होता है? खट्टा केक जो ये खट्टा मिट्टी में। चलो फटाफट परांठा खाओ, क्लास आने वाली है। मुंह पे मत रखो, खा लो उसको। तोतू की होने वाली है अभी ऑनलाइन क्लास और मैम को आंसर करना है, ठीक है? चुपचाप मत बैठे रहा करो, ऐसे ही बैठे रहते हो। मैम कहाँ गई है? आ रही है अभी मैम, ज्वाइन कर लेंगे अपने आप को, ले लेंगे। तब तक आप परांठा फ्रेश करो, अभी 5 मिनट है आपके पास। जल्दी खाओ, उसको मुंह में मत रखो। मुझे चैन से बैठने नहीं देती। आपको नहीं? क्यों? तुमने जो चैन से भी आज के बाद भी बैठने नहीं दिया, मम्मा मुझे थप्पड़ मारा। मैंने थप्पड़ नहीं मारा, गंदी बात, झूठ मत बोला करो आप। चलो जल्दी जल्दी करो। तो उत्सव की अभी होने वाली है ऑनलाइन क्लास और मतलब बहुत ही एक्टिव रहता है यार, मुझे ऑनलाइन क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों के लिए। 9:30 to 10:30 उसकी क्लास होगी और उसके बाद बस फिर वही नाना वाना भी मैं फिर उसके बाद ही करूँगी, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। और कूड़ा वाला भी। सो अभी चीनू गया हुआ है स्कूल, बट आज उसका छुट्टी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 11:30 बजे के आसपास मैं उसको लेने जाऊंगी। और उत्सव की तो जैसे मैंने आपको दिखाया ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं और अभी 2-3 दिन इनका ऑफ रहेगा, मंडे से फिर इनका रेगुलर स्कूल स्टार्ट होगा। सो बस अभी बच चुके हैं 11:15, 11:20 पे उसकी छुट्टी है और नाश्ता वगैरह भी मैं अब सोच रही हूँ उसको पिक कर लेती हूँ पहले, उसके बाद ही करूँगी क्योंकि इतनी जल्दी से किया भी नहीं जाएगा। उत्सव देख रहा है अभी थोड़ा सा अपना स्कूल का ही जो उसको होम एक्सटेंशन मिलता है ना उसके वीडियोस, और तब तक मैं ले आऊँगी उत्कर्ष को, फिर उसके बाद करूँगी नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं। छुट्टी का दिन होता है ना तो इतनी मुश्किल हो जाती है ना इन लोगों के साथ, 10-10 बजे तक सोते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, फिर खाना खाएंगे 12 ऐसे बजा देंगे, नहाना वहाना, उसके बाद लंच टाइम हो जाएगा, मतलब पढ़ाई तो धरी की धरी रह जाती है। इसलिए मुझे लगता है बच्चों की छुट्टियाँ तो होनी ही चाहिए, इनको स्कूल ही भेजो, बेस्ट एटलीस्ट इस टाइम पढ़ रहे होते हैं स्कूल में 2:30 बजे तक अपना आराम से, और उसके बाद घर में आके धम्मा चौकड़ी मचाते हैं, तभी काम निपटा लेती हूँ अपना। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 5:30। आज फिर सुबह नहाने वाने के बाद लंच वंच करने के बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करा, बहुत थकान सी हो रही है, पता नहीं आजकल क्यों। काम भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत चीज़ें मैं अरेंज कर रही हूँ तो निकालने में, साफ़ करने में, रखने में, बस उसी में मैं थक जाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और गए हैं अभी नीचे खेलने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कुछ भी काम करने से पहले ना, मैंने भी 15-20 मिनट का नैप ले लिया था, उससे ऊपर की नैप तो यहाँ यहाँ ले नहीं सकते। जब भी सोचो ना कि थोड़ा सा नैप ले लो, सो लो, कोई ना कोई बेल वगैरह बजा ही देता है। तो जैसे ही मैं सोने को लगी 10-15 मिनट मैंने सोई होंगी कि फिर बेल वेल बज गई तो नींद खराब हो गई। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ खाने वाने की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन खाना सबसे पहले मैं बना लेती हूँ अपने लिए एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक, मेरा चाय, बिकॉज उसको लिए बगैर तो मैं कोई काम कर नहीं सकती हूँ, शरीर में कोई एनर्जी आ ही नहीं पाएगी। सुबह शाम जैसा कि मैंने कहीं वीडियो में अपने बताया मुझे 2 टाइम तो चाहिए होता है। सो बस अभी मैं यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। कहोगे मिलती हूँ कहती, फिर मिलती तो है नहीं, और आज अंधेरा कर रखा है घर पे, लाइट जला देती हूँ। आजकल शाम को अंधेरा भी जल्दी हो जाता है ना, अभी 6:15 हो गए हैं और बाहर आप देख सकते हो अंधेरा कितना हो रहा है, और बच्चे से अंधेरे में बाहर खेल रहे हैं, चूड़ू नीचे ही खेल रहा है पार्क में।
से छांट लिया था, तो आज मैं रात को बनाऊंगी आलू मेथी की सब्ज़ी। उत्कर्ष और उत्सव तो बहुत शौक से नहीं खाते हैं ये वाली सब्ज़ी, पराठा खा लेता है उत्कर्ष, उत्सव तो पराठा भी नहीं खाता। बच्चों को इतना शोर आ रहा है कुछ पार्क से, तो बस उनके लिए दोपहर की दाल वगैरह है वो उसके साथ खा लेंगे। अब मैं इसके साथ दोबारा दाल बनाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए, फिर वो अगेन दोबारा से सब्ज़ियाँ रह जाती हैं, दाल रह जाता है, फिर सुबह वो मुझे निपटानी पड़ती हैं। तो इससे बेटर कि अभी मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बना दूँ और बच्चे दोपहर की दाल से काम चला लेंगे। सो बस यहाँ मैं चाय पीऊँगी, साथ के साथ सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, आटा गूँधूँगी, फिर जैसे जैसे खाना खाना होगा सबको वैसे वैसे रोटियाँ पक जाएंगी। यहाँ पे आप सब्ज़ी इतनी हो चुकी है ना, अब मैं इस पर डाल दूँगी ये वाले आलू, क्योंकि ये आलू ना थोड़े से हार्ड हैं, बहुत जल्दी गलते नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। फिर मैंने फ्राई भी किया, कहीं पर जगह मैं फ्राई नहीं भी करती हूँ, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड ऑन आलू, इसको मुझे आलूओं की ना पहचान नहीं है अभी तक। और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, और अभी मैं बहुत थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ इतना, क्योंकि अभी सब्ज़ी और कम हो जाएगी तो फिर नमक और ज़्यादा होता है, और मेरे साथ होता भी यही है, हरी सब्ज़ी में नमक थोड़ा तेज़ी हो जाता है मेरे से। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। यहाँ पे ना मैं अभी दिवाली के सामान की अनबॉक्सिंग कर रही थी, मतलब काफ़ी पहले से सामान आया हुआ था बट मैं निकाल ही नहीं पा रही थी, कुछ सामान तो मैंने निकाल के रख दिया था, बट वैसे बड़े बड़े बॉक्सेस हैं ना, ये मम्मी के यहाँ से आया था और ये ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा, ये भी मुझे खाली करना है, ये मैं ऑलरेडी खाली कर चुकी हूँ इस तरीके से पोटली में जो आया था, तो इस तरीके से मैंने बॉक्स बना दिया। और अभी दिवाली के इतने सारे क्रैकर्स बचे हैं ना, मतलब ये कट्टा भर के, ये पूरा कट्टा भर के, इसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्रैकर्स पड़े हैं, ये पूरा कट्टा भर के भेजा था मेरे भाई ने क्रैकर्स बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी तो दिवाली थी नहीं। और ये प्रसाद का मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं दिवाली से पहले ही ले आई थी इसको, मुझे लगा होगी दिवाली पर दिवाली थी नहीं, तो फिर ये प्रसाद भी नहीं चढ़ाया। और मैं देखूँगी, खिल्ले होते हैं ना जो वाइट वाले, नमकीन वाले नहीं है, सिंपल प्लेन वाले हैं, देखूँगी मैं इसका क्या करती हूँ, नमकीन वगैरह बनाऊँगी क्या करूँगी। ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये बॉक्सेस को ना खाली करके रखूँगी तो ही रहेगा, अदरवाइज़ तो इस तरीके से पड़े रहेंगे ना तो फिर जगह भी घेरते हैं और सामान भी। ये अभी नहीं खोलती हूँ, बाद में ही खोलूँगी। क्या शीशे में क्या देख रहा है? देख क्या रहा है शीशे में? नौटंकी। मम्मी सारे ले जाओ, हाँ ले जाओ ना, दो तीन चार जितने हैं सब ले जाओ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। और तुम गिन के जाना, तुम गिन के जाना, तुम चार चश्मे ले जाओगे उसमें से एक ही वापस आएगा जो तुमने पहना होगा, गॉगल तो तुम्हारा वापस आएगा नहीं, क्योंकि तो जब भी जाते तुम्हारा वो वापस ही नहीं आता है। जिनो सामान गिन के जाना, उसमें से आधा से ज्यादा सामान तो तुम्हारा वहीं रह जाएगा होटल में। जाओगी सो गाइस, डिनर वगैरह सब हो चुका है और हम आ चुके हैं सोने के लिए, अपनी नेट में आ गए, नेट में आ गए और सारे घर पे सो गए, मतलब सारे, मतलब चीनू घर पे सो नेट नहीं है, ये नेट, ये नेट ही तो है, मॉस्किटो नेट क्या लगा हुआ है, बहुत मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे, तो बिना नेट लगाए तो आप सो ही नहीं सकते, मतलब पूरी विंटर्स हमारा फिर ये नेट जरूर लगता है ना, है ना। और ये इसको आदत है मेरे इस तरीके से ना हाथ में सोने की,
कैसे सोते हो शी आप? मेरे ऐसे हाथ में ना ऐसे कहता मम्मी आप ऐसे हाथ लंबा करो मैं तभी सोऊंगा। मम्मी ऐसे हाथ लंबा करो मैं तभी सोऊंगा। मैं तभी सो गई, तभी तो सो नहीं रहे हो। रात के 11:30 हो गए अभी तक सोने को राजी नहीं। क्यों नहीं सो रहे हो भाई? तो कब का सो गया? आपको नींद नहीं आती? आती गई। फिर क्यों नहीं सो रहे हो आप? क्यों नहीं सो रहे हो उशी? अरे मैंने सो रहा। क्यों नहीं छोड़े हो? सोता ही नहीं हूँ मैं। तुम सोते ही नहीं हो? तुम कहीं वो तो नहीं हो कुकुरन, क्या बोलते हो आप उसको? कुंभकर्ण को आप क्या बोलते हो उशी? कुंभकर्ण का ना एक ही सिर होता है। किसका एक सिर होता है? कुंभकर्ण का एक ही सिर होता है। कुंभकर्ण क्या होता है? कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का एक ही सिर होता है। सब बोलते कुंभकर्ण को कुकुरन, कुकुरन कुंभकर्ण का एक ही सिर होता है। हाँ, कुंभकर्ण कौन होता है? जो उसका एक सिर होता है। हाँ, पर वो कौन होता है? किसका वो है, रिलेटिव है? उसका भाई। किसका भाई? अरे रावण का भाई। रावण का भाई। और मेघनाथ कौन होता है? मेघनाथ उसका उत्सव, उसका बेटा, उसका उत्सव। कह रहा है मेघनाथ कौन होता है? उसका उत्सव बल। उसका उत्सव कैसे हो गया? उसका बेटा, उसका बेटा, रावण का बेटा। चलो अब निन्नू कर लो। नहीं अभी तुम्हारे 10 सिर लगाऊंगा तुम्हारे। मेरे 10 सिर लगा दोगे? हाँ। मुझे क्या रावणी बना दोगे? रावणी? हाँ। वो तो रावण था। अभी तो मैं तुम्हारे 10 सिर लगा दूंगा ग्रीन सिर। भाई ये तो सोने को राजी ना है। तुम्हारे ना ग्रीन सिर लगा दूंगा। ठीक है ठीक है। चलो पापा को आप गुड नाइट बोल दो। राधे राधे। गुड नाइट। बोलो राधे राधे पापा। राधे राधे। राधे राधे। तुम्हारे 10 सिर लगा दूंगा तुम्हारे गोब्लिन जैसे। गोब्लिन? गोब्लिन नहीं, गोब्लिन। गोब्लिन कौन है? मम्मी गोब्लिन मैं बनूंगा। आप गोब्लिन बनोगे? हाँ। Who is गोब्लिन? गोब्लिन उसे चिरकुट को कहते हैं। चिरकुट को कहते हैं? हाँ मैं बनूंगा चिरकुट। चिरकुट मैं ही बनूंगा। चलो गुड नाइट कर दो सबको। बाय कर दो। मम्मी मैं ही बनूंगा चिरकुट। सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। राधे राधे। राधे राधे मम्मी।